मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम इन योर साइंस क्लास स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटिड आर लेसन नंबर थ्री एंड यस्टरडे वी हैव कम्पलीटिड बुक वर्क ऑफ लेसन थ्री सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट डी लेसन नंबर थ्री हाँ जी बेटा आज हम लेसन नंबर थ्री के पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर करेंगे ओके योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी फोर प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टें फ्राम फॉरेस्ट हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ़ोर ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए जो आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं योर आंसर इज़ फोर प्रोडक्ट्स दैट ऑबटेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर कि वो जो फोर प्रोडक्ट आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं वुड हनी बैम्बू मेडिसन या स्पाइसिस कि ये सारी चीज़ें आपको किससे मिलती हैं फॉरेस्ट से ओके सेकेंड क्वेश्चन पर आइए बेटे सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू सम मैन कट ट्रीज़ कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रीज़ को क्यों कट करते हैं आंसर देखिए बेटा क्या है मैन कट ट्रीज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न्स कि कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं ट्रीज़ को कट करते हैं हाँ जी फर्स्ट पॉइंट क्या है नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा कि उनको हाउसेस और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए वो ट्रीज़ को कट करते हैं सेकंड है नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शंस और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वुड की जरूरत पड़ती है इसीलिए वो ट्रीज़ को कट करते हैं नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ द गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है आंसर है बेटा गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एस्थियाटिक लॉइंस कि जो गिर नेशनल पार्क है वो एस्थियटिक लॉइंस की प्रोटेक्शन के लिए फेमस है ओके फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटे नेम टू माइग्रेटरी वर्ड्स दैट विजिट भरतपुर वर्ड सेंचुरी कि टू माइग्रेटरी वर्ड्स के नाम लिखिए जो विजिट करते हैं भरतपुर वर्ड सेंचुरी में ठीक है तो आंसर है आपका टू माइग्रेटरी वर्ड्स आर साइबेरियन क्रेन पेंटिड स्ट्रोक्स एंड ईबिस हाँ जी बेटा टू पूछे थे हमने कितने लिख लिए थ्री ओके okay, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ द एवरेज टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल नीडिड फॉर अ फॉरेस्ट टू डिवेल्प कि जो एवरेज टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल है ठीक है फॉरेस्ट को जरूरत पड़ती है डिवेलपमेंट के लिए तो वो क्या है ठीक है तो आंसर है आपका एवरेज टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टेन डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल इज़ एट लीस्ट टू हंड्रेड मिलीमीटर नीडिड फॉर अ फॉरेस्ट टू डिवेल्प फॉरेस्ट को डिवेल्प के लिए एवरेज जो टेम्परेचर है वो है ग्रेटर देन टेन डिग्री सेल्सियस और एनुअल जो रेनफॉल है वो कितनी है टू हंड्रेड मिली मीटर की ज़रूरत पड़ती है ठीक है इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट आइए बेटा नेक्स्ट है आपका होमवर्क और होमवर्क में आपने क्या करना है जो आज क्वेश्चन आंसर आपने पार दिख के किए हैं आपने लिखने भी हैं और उनको लर्न भी करना है और आपकी राइटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए नीट एंड क्लीन ओके इज़ इट क्लियर Thank you student.